हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर में। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। फर्स्ट पार्ट में आज लाइट रिफ्लेक्शन के ऊपर में चर्चा की गई है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सी देख पाते हैं तो वो लाइट के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका पाथ ऐसा कर्व नहीं हो सकता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी है इट कास्ट शेडोज ऑन अ स्क्रीन। लाइट के कारण ही किसी ऑब्जेक्ट का किसी स्क्रीन पे हम शेडो ले पाते हैं। जैसे अभी ये लाइट यहाँ पे आ रही है तो इसके बैक साइड में लाइट नहीं आ पाएगा, बाकी का लाइट इधर से गुजर जाएगा और इधर बैक साइड में जो भी स्क्रीन होगी इस पे हमें इस ऑब्जेक्ट की शेडो मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें वो है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, इस कारण से इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस कारण से ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है और वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ m/s। ये लाइट की स्पीड होती है, इसको याद रखिएगा। ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मतलब है कि जब लाइट की रे आती है तो वो वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, मतलब टर्न ले लेती है। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कि एक स्मूथ सरफेस हमारा एक मिरर है यहाँ पे और इस पे कोई लाइट की रे आ रही है। ये हमारा नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री पे जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो आफ्टर इस पे इसे टकराने के बाद में ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो रे आती है इसको हम लोग इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है जो लाइट की रे उसे रिफ्लेक्टेड रे, और जो 90 डिग्री है उसे नॉर्मल रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल होता है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट के दो लॉज होते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर में है। सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, ये सारा तीनों जो रे है वो पेपर पे ही एक ही प्लेन में होगा, इधर एक्स में, वाई या जेड में। ये अगर हम इसको वर्टिकली खड़ा करते हैं तो तीनों वर्टिकली खड़ा हो जाता है, तीनों को अगर हॉरिजॉन्टली डालते हैं तो तीनों हॉरिजॉन्टली एक ही प्लेन में रहता है। नेक्स्ट हम लोग इमेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। जहाँ पे दो लाइट रेज मिला वहाँ पे एक इमेज बनता है। अगर एक्चुअली मिलता है तो रियल इमेज होगा, और अगर हमें ऐसा आभास होता है कि वो मिल रहा है तो वो हमारा वर्चुअल इमेज होगा। तो बात करते हैं दोनों के प्रॉपर्टीज के बारे में। रियल इमेज, इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, यानी एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण जो इमेज बनेगा उसे हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन। याद रखिएगा, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट होती है, और रियल इमेज का जनरली नेचर इन्वर्टेड होता है, मतलब ये जो इमेज बनेगा ये ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल इमेज के बारे में बात करें, इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी इमेजिनरी इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। जब लाइट रेज ऐसा प्रतीत होगा कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि वास्तव में यहाँ पे लाइट रेज मिलती ही नहीं है। एंड इरेक्ट इन नेचर, और ये अपने नेचर में इरेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर आपका वर्टिकली ऐसे सीधा है तो इसका इमेज भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, ये इन्वर्टेड नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट उसको मिरर बोला जाता है। मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक है आपका प्लेन मिरर और दूसरा मिरर है हमारा स्फेरिकल मिरर। इन दोनों में फर्क क्या है वो समझिए। प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक प्लेन होता है, जैसे सिंपली देखिए ऐसा, ये सामने से प्लेन सरफेस है।
जबकि स्फेरिकल मिरर में अगर बात करें तो स्फेरिकल मिरर में ये जो मिरर होता है वो किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा होता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक स्फेयर दिख रहा होगा, ये कर्व है जिस टाइप, तो एक ऐसा या एक दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर होगा, या दोनों स्फेयर के ही हिस्से हैं, बस एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड साइड में और दूसरे में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड साइड में होगा। चलिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। और बेसिकली स्फेयर का जो सेंटर होता है ना, इसे इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, सबसे पहला उसका प्रॉपर्टी है कि वो वर्चुअल नेचर में होता है, यानी कि हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। दूसरा, ये इरेक्ट होता है। इरेक्ट यानी कि वो आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, अगर यहाँ से लाइट रे ऐसे निकले, बेसिकली हमने इस ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस पे रखा है, देखिए सेंट्रली एक एक्सिस दिख रहा होगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और इस एक्सिस पे इससे अगर एक रे गुजरती है, सपोज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो ये वापस सेम डायरेक्शन में ये मुड़ जाती है। दूसरा, अगर हम एक एंगल बनाते हुए भेजेंगे तो सेम एंगल से, ये क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये दोनों जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, ये कहाँ पे मिल रही है, कहीं पे भी आगे चल के नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच का ये जो जगह है ये बढ़ते जा रहा है। देखिए तो ऐसा ये हमें अपीयर होगा कि ये बैक साइड में कहीं ना कहीं मिल रही है, यानी कि इस मिरर के अंदर में, और यहाँ पे भी इसका इमेज सेम वैसा ही बना जैसा कि ऑब्जेक्ट था। यानी फर्स्ट थिंग कि ये तो इमेज हमारा है वो वर्चुअल नेचर है, वर्चुअल मतलब इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, इनसाइड द मिरर है। दूसरा, इरेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड साइड में है, ये भी अपवर्ड साइड में है। सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और जो इसके इमेज का डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट, ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब एक का जो लेफ्ट होगा वो दूसरे का राइट होगा, कैसे वो जरा देखिए। अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर सपोज एक लेटर एल अगर यहाँ पे दिखाते हैं, तो हमें मिरर में वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये राइट का लेफ्ट होना या लेफ्ट का राइट होना, यही लिटरली इन्वर्सन का ये मतलब होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, वर्चुअल होना, इरेक्ट होना, सेम डिस्टेंस पे होना और लिटरली इन्वर्टेड होना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया, जैसे जो मेन एक्सिस है स्फेरिकल मिरर में भी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो मिरर है, देखिए एक स्फीयर का ही हिस्सा है, हमने पहले भी बताया कि स्फीयर को कट करके ही बनाया हुआ है। तो बेसिकली इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, तो ये सेंटर को हम लोग बोलते हैं सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहा है, ये मिरर को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, दिस पॉइंट पे, ये हमारा पी यानी कि पोल हो गया। तो दूसरा पॉइंट हमें लर्न कर लेना है, पोल। उसके बाद में हम बात करते हैं पोल से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के इस सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उससे बोला जाता है रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सिंपली रेडियस बोला जाता है। उसके बाद में अगर बात करें एफ पॉइंट की, ये देखिए रेडियस का ये हाफ पे होता है, यानी इसको बोला जाता है फोकस। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, याद रखिएगा, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर होता है इस मिरर में, ध्यान से देखिए, जिस स्फेरिकल मिरर को हमने इसमें से कट करके निकाला है, इसमें ए बी, ये जो ए बी लेंथ है ना, इसको यहाँ पे अपर्चर बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर के टाइप्स की। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड होता है, देखिए इनवर्ड कर्व होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व होता है यहाँ पे। दूसरा, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है कॉनकेव मिरर को। ये जो कॉनकेव मिरर है इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि जब भी लाइट रेज इससे टकराएगी, तो टकराने के बाद में अलग अलग लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ज होती है, मतलब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मिलने वाली होती है। जबकि कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है, लाइट रेज जब इससे टकराई, टकराने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में ये जाती है, तो इस कारण से इसमें जो इमेज बन पाता है वो वर्चुअल हो पाता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो याद रखिए, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। अरे
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहला रूल बोलता है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, हमने पहले ही बात किया है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ किया जिसमें ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस और पी पोल है। तो अगर कोई भी रे इसके पैरेलल होकर के इससे आती है और इसे टकराती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के गुजरेगी। देखिए एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से गुजरेगी, कोई भी रे हो। अगर कोई दूसरी रे भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर के ही गुजरेगी। ये फर्स्ट रूल है। ऐसे टोटल चार रूल है कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम बनाने के। सेकेंड रूल की बात करें तो अ रे पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये पहले वाले रूल का ही अपोजिट है। अगर वो रे फोकस से होकर के आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम रे को फोकस से होकर के इंसिडेंट करा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये गुजरेगा। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। नेक्स्ट, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए अगर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रे को हम गुजारते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा। देखिए एक रे आ रही है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ में वो वापस चली जाती है। ये थर्ड थर्ड रूल है। फोर्थ रूल हमारा बोलता है कि अ रे इंसिडेंट ऑन पोल, ध्यान से देखिए हमें याद होगा पी पोल यानी इस पॉइंट पे अगर डायरेक्टली किसी रे को हम इंसिडेंट कराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी वही सेम एंगल बनाएगा जितना कि इंसिडेंट रे बना रहा होता है। ध्यान से देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये टोटल चार रूल है कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम बनाने के। तो चलिए अभी हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं यानी कि इमेज फॉर्मेशन बनाना शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। इसमें टोटल 6 पॉइंट है जिसमें 6 अलग अलग जगहों पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और उनके इमेज का पोजीशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉनकेव मिरर में ये सी एफ और पी हमने मार्किंग कर लिया। अभी हमने किया कि वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है। तो देखिए वहां से लाइट रे आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होती है, ये सेम एफ से होकर गुजरेगी। दूसरी भी रे है तो वो एफ से होकर गुजरेगी, यानी कि जो यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, हमें फोकस पे मिलेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, और काफी छोटे साइज का होगा। तो यानी याद रखिएगा ये पॉइंट साइज इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड भी उसको बोलते हैं, रियल बनेगा क्योंकि दोनों लाइन दोनों रे डायग्राम यहाँ पे देखिए आपस में दोनों रेज मिल रही है और इन्वर्टेड होता है और साथ ही इसका पोजिशन एफ पे होता है। नेक्स्ट, वेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अब ध्यान से देखिए हमने फिर से मार्किंग कर लिया सी एफ और पी का और ये ऑब्जेक्ट को हमने सी के बियॉन्ड हमने प्लेस किया है। तो अब देखिए अगर ये यहाँ से पैरेलली आ रही है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गुजरेगी, या अगर वो रे अगर सी से होकर के आ रही है तो वापस सी से होकर गुजरेगी, ऐसा हमने उनके रूल्स में पढ़ा है। तो क्या होता है, ये दोनों रेज जहाँ पे मिल रही है यहीं पे हमारा इमेज होगा। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा सी के बियॉन्ड, तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, तो एफ और सी के बीच में। देखिए एफ और सी यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है, आप समझ जाइए ये सी और यहाँ पे एफ इसके बीच में हमारा इमेज बनेगा। साथ ही इसका नेचर कैसा होगा, रियल है इन्वर्टेड होगा। देखिए ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका साइज काफी उसके कंपैरिजन में स्मॉल साइज का है। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम प्लेस कर देते हैं, तब क्या होगा। देखिए अभी जो पैरेलल रे जा रही है रूल बोलता है कि वो फोकस से गुजरेगी, ये देखिए फोकस से गुजर गया, या दूसरा जैसे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल ही हो जाएगी। इन दोनों रूल्स के आधार पे आप देखिए ये दोनों रे कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो यानी कि इसका ऑब्जेक्ट का इमेज भी इसी पॉइंट पे बनेगा। आप ध्यान से देखिए ये दोनों सेम साइज के दिख रहे होंगे, यानी कि जो इमेज होता है वो सेम साइज का बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और इसका पोजिशन भी सी पे होता है, यानी कि अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अब अगला लोकेशन हमने ऑब्जेक्ट को कर दिया सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो देखिए अगर हम ये इससे रेज होकर के फोकस से गुजरी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, या अगर सी को टारगेट करके हमने अगर मिरर पे इस रे गुजरती है तो ये वापस उसी डायरेक्शन में रिवर्ट हो जाएगी। अब देखिए इस बार कहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, ये भी इन्वर्टेड ही है, रियल ही है, लेकिन इसका साइज देखिए ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का साइज बड़ा हो गया। तो इसके बारे में देख लीजिए, पोजिशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज इज द इनलार्ज। अब बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी अब फोकस पे ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, तब क्या होगा। फोकस पे जब आपने प्लेस कर दिया
तो देखिए जो पैरेलली जाएगी वो वापस फोकस से होकर के गुजरना है, दूसरा अगर सी को टारगेट करके देते हैं तो सी से होकर के गुजरना है। वास्तव में ये दोनों कहीं पे मिलने वाला नहीं है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन पोजिशन ऑफ इमेज इज एट इंफिनिटी, नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड होगा और साइज होगा इससे इनलार्ज होगा। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, ये सबसे लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में प्लेस कर देते हैं इस समय क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए, इस समय अगर ये रे अगर किसी पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए यहाँ पे गुजरती है तो सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी, दूसरा अगर सी को टारगेट करके जाती है तो ये भी सी को टारगेट करके ही वापस आएगी। देखिए ध्यान से, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बढ़ते जा रहा है, कहीं पे भी ये कन्वर्ज नहीं होने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें ऐसा अपियर होगा कि ये इसका कहीं ना कहीं मिरर के अंदर में आपस में लाइन मिल रहे हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे कि इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल नेचर में होगा और इरेक्ट होगा। देखिए जो अपवर्ड ऑब्जेक्ट है तो अपवर्ड इमेज भी है और साइज देखिए इनलार्ज है, तो याद रखिएगा इसका पोजिशन बिहाइंड द मिरर होता है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो ये देखिए सबसे फर्स्ट है टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स हेडलाइट्स, इन सभी जगहों पे कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, व्हीकल हेडलाइट में क्या होता है, व्हीकल हेडलाइट में जो रिफ्लेक्टर होता है और ये सपोज वहां पे लाइट प्लेस किया हुआ है, तो रिफ्लेक्टर और लाइट के बीच में रिलेशन ये कि फोकस पे लाइट को डालेंगे, तो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाएगी, पैरेलल जाएगा, तो इससे हमें क्या होता है बताइए, इससे बहुत ही पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूज एज अ सेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेजेज ऑफ द फेस, यूज बाई द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट्स के टीथ को अगर देखने के लिए इसका रिफ्लेक्टर के रूप में डेंटिस्ट यूज करते हैं ताकि लार्जर साइज का इमेज हमें देता है। यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस में भी हम लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं ताकि वो सनलाइट के हीट को एक ही पॉइंट पे फोकस पे ये कॉन्सेंट्रेट कर पाता है और ज्यादा हीट हमें मिल पाता है। अब बात करें रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाई कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हमने कॉनकेव मिरर के लिए रूल देखा था, अभी कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी रूल देख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये जिस स्फीयर का हिस्सा होगा वो कहीं ना कहीं उस स्फीयर का सेंटर इधर कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये इस तरीके का होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे प्लेस कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर को और रेज हमारा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी तरफ है, तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, देखिए ध्यान से रे इधर लेफ्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड से नहीं आ सकता है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटवर्ड साइड में है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, सेम है पहले की तरह ही, उसमें प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता था और इसमें क्या है, तो ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के डाइवर्ज होना अपीयर होता है। तो ध्यान से देखिए, ये लाइट रे आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से होकर के लग रहा है कि इसे अपीयर हो रहा है। दूसरा रे, दूसरा रूल बोलता है कि अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, अभी दूसरा रूल फिर से हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है अभी कोई भी कन्वेक्स मिरर में है, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के ही रे को डाइवर्ट किया जाता है, देखिए हमने यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट किया, इसको डायरेक्ट किया फोकस को एंगल लेकर के, क्या होता है बताइए, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वापस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही वापस चला जाएगा। चलिए तो ये दो रूल्स ही हैं इसमें। थर्ड रूल क्या बताता है वो देखिए, और रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, जस्ट लाइक जैसे हमने उसमें देखा था तीसरा रूल, कि अगर अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके हम अगर भेजते हैं उसको, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वापस उसी डायरेक्शन में ये इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी डायरेक्शन में ये वापस हो जाएगा। फोर्थ रूल बताता है, और रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी वही है जैसे हमारा कॉनकेव मिरर के लिए था, अगर ये पोल पे जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो ये चार रूल्स हैं इसके। और अब बात करेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन का, ये दो टाइप का है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर देते हैं क्या होगा, देखिए इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस को टारगेट करके इधर से अपियर होगा कि ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई दूसरा रे भी होता है तो वो भी फोकस से होकर के ही, तो इससे क्या पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से अपियर होगा कि यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है,
इसका पोजीशन एट एफ होगा, ये वर्चुअल होगा, ध्यान दीजिए कहीं पे वास्तव में नहीं मिल रही है, ये वर्चुअल नेचर में होगा और इरेक्ट होगा। साथ ही साथ इसका साइज की बात करें तो ये पॉइंट साइज होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, अब देखिए इस लेफ्ट साइड से ही हम ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं प्लेस कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इस समय जो पैरेलल रे जाएगी वो फोकस को टारगेट करके वापस चली जाएगी देखिए, और कोई अगर सी को टारगेट करके अगर हम भेजते हैं तो वापस उसी रास्ते से गुजर जाएगी। तो अब देखिए इसका कहाँ पे इमेज बनता है, दोनों रे ऐसा अपीयर होता है कि इस पॉइंट पे बन रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसका साइज डिमिनिश्ड है, छोटे साइज का है, लेकिन ये भी वर्चुअल ही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ध्यान दीजिए कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल नेचर का होता है और इरेक्ट नेचर का होता है, जबकि कॉनकेव मिरर में एक कंडीशन को छोड़ के बाकी सारे कंडीशंस में हमें इन्वर्टेड इमेज मिले थे और रियल इमेज मिले थे। तो इसका पोजीशन होगा बिटवीन पी एंड एफ एंड बिहाइंड द मिरर। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, ध्यान देखिएगा इसको रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज देता है फर्स्ट थिंग, और दूसरा इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है। देखिए जब भी हम कोई ड्राइवर अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा होता है तो ये वाला मिरर आप लोग देखते होंगे, इसमें पीछे का पूरा ये देखिए रोड का सीन, ये बाइक कार ये सब कुछ इसमें दिख रही है। इट ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, इट हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इस कारण से साथ ही साथ इसका यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर्स में भी, और दूसरा आप लोग देखते होंगे एटीएम मशीन्स में जब आप जाते होंगे तो देयर इज अ कन्वेक्स मिरर प्रेजेंट क्लोज टू द टॉप ऑफ द मशीन। ये राउंड वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, दिस पर्सन, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है। इसके कारण क्या होगा कि जब आप पैसे निकाल रहे होते हैं तो आपको पीछे का जो व्यू है वो आपको क्लियर हो जाता है, कोई कोई आपका पिन ना देख रहा हो पीछे से। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन, जो भी स्फेरिकल मिरर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कोई एक मिरर ले लेते हैं, दोनों मिरर के लिए एक ही रूल है, ध्यान से देखिए। अभी हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, इसमें ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, पोल है ये पॉइंट। अब अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर से है, जिधर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उस तरफ ही जो हमारा पॉलिश सरफेस है उधर से ही लाइट ऑफ रे गुजारे हैं, बेसिकली यहाँ पे अभी लेफ्ट तरफ में डाला गया है, आप लेफ्ट को ही एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं। तो जो भी इसके डिस्टेंस इस जिस तरफ से लाइट रे आ रही है यानी कि लेफ्ट 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 की तरफ में जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं निगेटिव से, जबकि उल्टा इसका डिस्टेंस जो राइट साइड में जो होगा उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट का हाइट अगर आप मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर अपवार्ड ऐसे है तो उसको पॉजिटिव पॉजिटिव उसके लिए साइन यूज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज अगर डाउनवर्ड साइड में है तो उसके लिए निगेटिव साइन का यूज करते हैं। ये साइन कन्वेंशन आप याद रखिएगा, कहीं आप अगर मिरर को अगर उल्टा भी बना रहे हैं, इसको इस तरीके से बना रहे हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इसका इधर है, इधर अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इस तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस तरफ में जो यहाँ इस तरफ का जो भी डायरेक्शन होगा, यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं इधर से लाइट जा रहा है तो इधर को आपको निगेटिव लेकर के चलना है, और इसका अपोजिट यानी इस तरफ जो भी होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट तरफ इसको आप पॉजिटिव लेकर के एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला में सबसे पहले तीन चीजों को आप जान लीजिए, जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल यू, और जो फोकल लेंथ होता है उसे एफ, स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला बताता है वन अपॉन वी इक्वल टू सॉरी वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, यानी कि वन अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इक्वल होता है वन अपॉन फोकल लेंथ के बराबर। याद कर लीजिए मिरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके आधार पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। देन है मैग्निफिकेशन बाई स्फेरिकल मिरर, ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है। ये क्या मैग्निफिकेशन क्या होता है पहले इसको समझ लेती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और जो उसके इमेज का हाइट होगा इन दोनों का ये रेशियो होता है, यानी मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉरी हाइट ऑफ द इमेज, ये न्यूमिनेटर में आएगा, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा। यानी कि एम इक्वल टू देखिए ध्यान से हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं कहीं पे भी मैग्निफिकेशन के बारे में तो ये होता है हाइट ऑफ द इमेज, इमेज न्यूमिनेटर में और ऑब्जेक्ट का हाइट डिनोमिनेटर में, बेसिकली इमेज के हाइट को एच डैश अपॉन एच ऐसे भी लिखा जाता है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू एक फॉर्मूला होगा एच डैश अपॉन एच, और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है काफी इंपॉर्टेंट, कई बार न्यूमेरिकल्स में इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये होता है माइनस वी अपॉन यू, यानी कि इसका रेशियो, ये जो अभी आपने पढ़ा ना इमेज डिस्टेंस,
इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल ये होता है, और साइन इसका निगेटिव लगा दिया जाता है, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो इन सारे फॉर्मूलाज को आप एक बार देख लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमारा सपोर्ट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।